पहाड़, पलायन और बेरोजगार। नमस्कार, आपका स्वागत है पूछता उत्तराखंड में। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, अगर आप गाड़ी में हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अगर घर पर हैं तो खुद को कार्यक्रम के अंत तक बांध कर रखिएगा, क्योंकि आज एक दिलचस्प बहस होने जा रही है। ये वो बहस है जिन्होंने आजकल के समय में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जैसे डायनासोर खत्म हो चुके हैं, वैसे ही इस तरह की बहसें भी खत्म हो चुकी हैं जहां पर रोजगार का जिक्र होता हो, बेरोजगारी का जिक्र होता हो, युवाओं के हक की बात होती हो। हालांकि चूंकि इसमें ना तो मीडिया का लाभ है, ना नेताओं का लाभ है, ना सत्ता का लाभ है, ना विपक्ष का लाभ है, बाकी आम जनता के लिए तो सब कुछ शुभ लाभ है। फिलहाल आज मैं बात बेरोजगारी की कर रहा हूं, और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। क्या उत्तराखंड को रोजगार मिला? जितने रोजगार के दावे वादे किए गए थे, क्या वो सब पूरे हुए, या सब झूठी कस्में थी, झूठे वादे थे, और झूठे कस्में और झूठे वादों का क्या, वादे हैं ये तो उड़ ही जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेरोजगारी को कम करने के लिए और रोजगारी को बढ़ाने के लिए आखिर किया कुछ गया। तो इसको देखते ही पढ़ते ही सबसे पहले तीन लाइनें हमारे सामने आती हैं। पहली लाइन ये है कि अगर परीक्षा होती है तो नौकरी नहीं होती, अगर नौकरी होती है, वैकेंसी होती है तो परीक्षा नहीं होती, अगर परीक्षा और नौकरी दोनों चीजें होती हैं तो नियुक्ति नहीं होती, और अगर सब कुछ होता है तो वेटिंग होती है। तो ये सब चीजें हैं जिनके बीच युवा दरअसल भटक रहा है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर सबने देख ली, तीसरी लहर दरवाजों पर खड़ी है, लेकिन युवा जिस लहरों से आज भी परेशान है वो लहर है बेरोजगारी की लहर, कि आखिर बेरोजगारी कब कम होगी, रोजगार कब बढ़ेगा। इसको लेकर अलग अलग सूचकांक हम लोगों के सामने आते रहते हैं, लेकिन एक नया सूचकांक उसकी मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पहाड़ों में जो बेरोजगारी की दर है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड दर्ज हो सकता तो वहां जरूर जाना चाहिए सरकार को। विपक्ष भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है कि उन्होंने अपनी सरकार में कितने रोजगार दिए और इस सरकार में कितने रोजगार कम हो गए। हालांकि क्वाइन एक ही है, फ्लिप होते रहते हैं, इसलिए ज्यादा कोई इस चीज को लेकर ना तो बोलता है, ना तो कहता है, ना तो सुनता है। हालांकि आपको बता दूं कि पहाड़ों में दरअसल इस वक्त हालात ज्यादा खराब हैं बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि कोरोना काल के वक्त जो लोग वापस उत्तराखंड को लौटे, जो लोग वापस पहाड़ों को लौटे, क्या उनको कोई काम दिया गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 11% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर जो है वो 11% है अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। वहीं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिपोर्ट की ओर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 14.5% बेरोजगारी की दर है। तो बेरोजगारी जो है वो लगभग 11-15% के बीच में झूल रही है, झूला झूल रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार क्या कर रही है, तो आपको बताता हूं सरकार क्या कर रही है। सरकार किताबों में, बातों में, आंकड़ों में बहुत शानदार काम करती हैं, और इस शानदार काम की रवानगी कुछ मैं आपको दिखाता हूं। मेरी खुद की कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरा खुद का कोई कथन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, सारा का सारा डेटा ये सरकार की वेबसाइट से उठा कर लाया हूं। सरकार की वेबसाइट की बात करूं तो सेवा योजना निदेशालय, उसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट है कि 2017 से लेकर 2018 के बीच राज्य में 8,91,141 रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ था, जिसमें से 7,484 लोगों को रोजगार दिया गया। 2018 से लेकर 2019 तक 8,29,139 रजिस्टर्ड बेरोजगार था, उनमें से 5,678 को रोजगार दिया गया। 2019 से लेकर 2020 तक 7,78,000 बेरोजगार था, उनमें से 2,709 को रोजगार दिया गया। 2020 से लेकर 2021 तक 8,77,220 के लमसम बेरोजगार था, जिसमें से 1,392 को रोजगार दिया गया। तो ये रोजगार की हकीकत है, और मैं आपको बता रहा हूं कि कितना रोजगार दिया गया, कितनी बेरोजगारी दर है। तो आपको जो आंकड़े दिखाए तो आपको पता लग गया होगा कि ये जैसे राई होती है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, वैसी वाली कहावत है, ये ऊंट है, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया गया है। यहां 8,00,000 बेरोजगार हैं और रोजगार मिला है कुछ कुछ हजारों को। इसके साथ ही एक और चीज है, जब कोरोना काल के दौरान जब लोग वापस लौटने लगे, जब पलायन करके जो लोग बाहर गए थे वो वापस जब देवभूमि को लौटे, तो सरकार ने एक योजना निकाली, नाम था स्वरोजगार योजना। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए इस योजना का, स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया गया, बड़े बड़े दावे हुए, और मार्च तक कहा गया कि 1,500 युवाओं को नौकरी दे देंगे। 1,500
बाद में कहा गया कि टारगेट जो है वो डेढ़ नहीं तीन कर देते हैं, डबल डबल कर दिया, डबल करके कितना रोजगार दिया, 3000 रोजगार। यार लाखों की बात हो रही है, 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार है, 10 लाख 10 लैक्स अनएम्प्लॉयड यूथ, 5 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं जो बेरोजगार हैं, और रोजगार कितनों को मिला, 3000, डबल इंजन की सरकार, 3000 रोजगार। यह है हकीकत। इस हकीकत को लेकर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे चर्चा करेंगे, फिर डिबेट को धीरे धीरे खोलेंगे, ये डिबेट की संरचना है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ गेस्ट जो है वो अभी सुनीता विद्यार्थी जी कुछ समय बाद जुड़ेंगी, उमा सिसोदिया जी हैं, गुल मोहम्मद साहब हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देखिएगा जरा। तो तस्वीरें दरअसल बहुत कुछ बयां करती है, थोड़ा सा तस्वीरों को देखिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ उमा सिसोदिया जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, गुल मोहम्मद वरिष्ठ नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक मिनट का समय आप दोनों के लिए, आप दोनों को विपक्ष के तौर पर एक एक मिनट का समय है। आप ये बताइए कि ये जो रोजगारी नाम का, रोजगार नाम का जो गुड़ का जो लड्डू है, वो हर सरकार आती है दावे करती है वादे करती है लाखों को रोजगार मिलेगा, लाखों को रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन सपनों को लेकर युवा सो जाता है, सुबह उठता है तो उसको पता लगता है कि ये तो सिर्फ सपना था, महज सपना, जो आपने दिखाया, उन्होंने दिखाया, इन्होंने दिखाया। एक एक मिनट का समय, शुरुआत करेंगे हम उमा सिसोदिया जी के साथ। उमा सिसोदिया जी, लाखों युवा बेरोजगार है, कहीं भी रोजगार नहीं है जी। लाखों युवा बेरोजगार है, कोरोना काल के बाद कुछ लोग वापस लौट आए, लाखों की संख्या में लोग वापस लौट आए, उनके लिए भी कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं हम पलायन रोकने की, जो किसी कारणवश वापस भी आ गए उनको रोकने का भी हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, उत्तराखंड में या बीजेपी की रही हो, हमेशा से ही पलायन के ऊपर बहुत बात होती रही है कि उत्तराखंड से पलायन बहुत ज्यादा है, पलायन बहुत ज्यादा है, पलायन आयोग भी बनाया गया, वो बात अलग है, पलायन आयोग का खुद पौड़ी से देहरादून जो है वो पलायन हो गया। बहुत सारे रीजन समझ में आते हैं पलायन आखिर क्यों होता है, शिक्षा उसमें बहुत बड़ा कारण है, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छे स्कूल पहाड़ों पर नहीं है, रोजगार पहाड़ों पर नहीं है, स्वास्थ्य पहाड़ों पर नहीं है, तो जो है वो मजबूर है अच्छी अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए पहाड़ों से पलायन करने के लिए। और हम लोग और भी बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं उत्तराखंड में, खासतौर पर कि हमारे पास डॉक्टर्स हम लोग पहाड़ पर नहीं भेज पाते, उसका भी एक बड़ी बड़ा जो रीजन है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। जब डॉक्टर्स के बच्चों को वहां पर बढ़िया स्कूल नहीं मिलते तो कोई भी डॉक्टर वहां ऊपर पहाड़ पर जाना नहीं चाहता। यही एक रीजन है कि आज तक हम गैरसैंण को राजधानी नहीं बना पाए और हमारे ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा विरोधी है गैरसैंण के, सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करते हैं तो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी करते हैं कि जो राजधानी है वो यहाँ होनी चाहिए, देहरादून में ही रहने दिया जाए और अस्थाई को जितने लंबे समय तक खींचा जाए उतने समय तक खींच लेना चाहिए। उसके पीछे भी रीजन एक ही है, क्योंकि हमारे पहाड़ों पर अच्छी शिक्षा नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर जाएंगे हम उनके बच्चों को अच्छे स्कूल वहां पर नहीं दे सकते, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो है वो वहां पर जाना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही महकमे सरकार के अंडर में है, जो हमारे अधिकारी वर्ग बैठे हैं इन्हीं को इन पर काम करना है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकारों की नहीं रही आज तक, इसलिए इन दोनों सेक्टर्स में बिल्कुल काम नहीं हुआ और इसका आंसर निकल कर आया वो हुआ कि पलायन, लोग वहां से छोड़कर जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। बहुत सारी ये जो मैंने अभी बात रखी है ये एक बड़ा रीजन है हमारे गांव से पलायन होने का। ठीक है,
हम लोग अब बात करते हैं स्वरोजगार की। हमारी हमारी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जब ये स्वरोजगार योजना शुरू की, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चली और उसके बाद ये जो आजकल स्टे होम स्टे वाली जो योजना चल रही है ये भी चल रही है। लेकिन सबको मालूम है कि योजनाएं सिर्फ किताबों पर बनती है, सिर्फ कागजों पर बनती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नीचे तक नहीं हो पाता। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे हमारे मेरे साथ उनका कॉन्टेक्ट हुआ था, उनके उनके जो प्रॉब्लम थी उसको हमने उठाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने लघु निर्माण उद्योग में सरकार से ऋण के लिए अप्लाई किया, एक बैंक में सरकार की तरफ से जो कागज वगैरह होता है जो उन्होंने पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कराया था सरकार में, आपके पास प्लान क्या है? जो ऋण मिल रहा था उसको सब्सिडी भी दी। ठीक है, प्लान क्या है? मैं उसी प्रॉब्लम पर आ रही हूँ कि हम अपने लोगों को स्वरोजगार भी नहीं दे पा रहे। सरकारी योजनाओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बैंक जो है सरकार योजनाएं बहुत चलाती है और सरकार ये कहती है कि इतने रोजगार दिए जाएंगे, इतने स्वरोजगार के नाम पर इतने आपको ऋण दिए जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल बंदा कर्ज लेने के लिए जाता है बैंक में तो वहां पर बैंक इतनी सारी फॉर्मेलिटीज लगा देते हैं कि उस बंदे का जो है वो लोन ही नहीं हो पाता। ठीक है, लोन तब होता है जब किसी बड़े नेता के फोन आ जाते हैं, जब किसी बड़े नेता के किसी खास व्यक्ति का लोन होना होता है तो नेताजी पूरा जोर लगा देते हैं कि इस बंदे का लोन हो जाए और इस तरह से सब्सिडीज जो है वो सही व्यक्ति तक पहुंचने की बजाय गलत व्यक्ति तक पहुंचती है और उसका हमें अपने समस्या पर किताब छप जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि प्लान क्या है, डील कैसे करना है? देखिए, हमारे पार्टी का सबसे बड़ा प्लान ये है, हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं कि अगर हम उत्तराखंड का जो टोटल यहाँ का जो जितना पैसा उत्तराखंड का है, जो बजट उत्तराखंड का है लगभग लगभग दिल्ली के बराबर है। दिल्ली में हमारी 27-30 हज़ार करोड़ का बजट है, दिल्ली के बराबर है, दिल्ली के बराबर है। दिल्ली में जो बेरोजगारी दर है वो है 16.4, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है 2020। देखिए, मैं दिल्ली का जो रोजगार का जो रेट है मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तराखंड के 35 लाख लोग दिल्ली गए हैं जॉब के लिए उत्तराखंड से पलायन करके। दिल्ली वो क्षेत्र है जिसने पूरे देश से लोगों को अपने एक्मोडेट किया है और अगर सबसे ज्यादा रोजगार कहीं सृजित है तो वो दिल्ली में है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं स्वरोजगार की तो जितने फैसिलिटीज और जितने लोग पूरे देश से दिल्ली आते हैं रोजगार के लिए, मैं नहीं समझती किसी और दूसरे बड़े प्रदेश बड़े जो है उसमें जाते होंगे, या तो बॉम्बे हुआ या मैड्रास हुआ या जो दूसरी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर जाते हैं लोग जो है वो रोजगार के लिए। और उत्तराखंड से तो सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो यहाँ से लोग दिल्ली ही गए हैं रोजगार के लिए। तो इसलिए ये कहना कि दिल्ली में उत्तराखंड के जो लोग पलायन करके दिल्ली जा रहे हैं, क्या वो सरकारी अधिकारी बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं, डीएम साहब बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? देखिए, आपको भी हकीकत बताया, मुझे भी हकीकत बताया। हिंदुस्तान की 1.25 अरब की आबादी को अगर हम ये कहें कि सबको सरकारी नौकरियां दे देंगे तो इससे बड़ा जुमला किसी का नहीं हो सकता। बोलिए ना, क्लियर रखिए बातों को क्रिस्टल क्लियर रखिए। ठीक है ना, ये तो वही बात हुई। देखिए, बात है, सबसे ज्यादा पलायन दुबई में भी होता है, सबसे ज्यादा पलायन दुबई में भी होता है। दुबई में किस तरीके का व्यवहार है वो सबको पता है। ठीक है, चलिए, ऐसे में हमारे साथ गुल मोहम्मद साहब भी हैं। गुल मोहम्मद साहब, आप और बीजेपी ज्यादा फर्क नहीं समझता, आप आते हैं बीजेपी आती है, बीजेपी आते हैं आप आते हैं, आप राम है वो श्याम है, वो श्याम है वो राम है, कभी राम कभी श्याम, कभी श्याम कभी राम है कि नहीं है? 21 साल तक उत्तराखंड वासियों ने आप लोगों को ही यहां शासन करने का मौका दिया है, कभी आप कभी आप, कभी आप कभी आप। लेकिन पलायन प्रमुख समस्या, प्रमुख मुद्दा, आज भी पलायन सबसे प्रमुख मुद्दा है। आज भी बेरोजगारों की संख्या इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आंकड़े छोड़िए, चुनौती बहुत बड़ी है, बताइए। अनम्यूट करिएगा, अपने आप को अनम्यूट करिएगा जरा। आप एक सेकेंड रुकिएगा। गुल मोहम्मद साहब, आप हेडफोन ये जो आपने लगा रखे हैं, ध्वनि यंत्र जो आपने लगाए, इनको हटा दीजिएगा जरा। अब चेहरा भी खिलकर आ रहा है और आवाज भी शानदार आ रही है, रखिए बात जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा आपको। हाँ, की सरकार थी। हाँ, तो हरीश सरकार के इतने अवसर प्राप्त, मैं आपको बताऊंगा
गांव में जब कोई बीमार मरीज को लाने की सड़क पर दुर्गा ने और रावत जी ने हरीश रावत चार लोगों को 1,000 रुपए प्रति लाने की रोजगार शुरू किया और पीआरडी में अनेक भर्तियां इसकी मैं एक सेकंड सॉरी माफ कीजिएगा सॉरी गुल मोहम्मद साहब आई एम रियली वेरी सॉरी। पीसीआर महोदय ऑडियो को जरा फिक्स करिएगा, ऑडियो को फिक्स करिएगा और सुनीता विद्यार्थी जी को कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे और गुल मोहम्मद साहब की जो ऑडियो है उसको फिक्स करेंगे। तो रोजगार के जो दावे हैं वो क्या खोखले हैं, ये बात है। ये बात इसलिए है क्योंकि दरअसल ये हालात हैं और हालात हैं। सबसे शानदार बात यह है कि ये हर 5 साल के बाद, कुछ कुछ साल के बाद ये बातें बार बार सामने आ जाती हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शानदार आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, आप वापस आ गए गुल मोहम्मद साहब, अब अपनी बात रखिए। जी, कांग्रेस सरकार में हरीश रावत जी ने रोजगार के इतने, मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली अभी हमारी कि दिल्ली में रोजगार के लिए आदमी आता है उत्तराखंड में। मैं ये कहूंगा कि गुल साहब आप जिस फोन से पैच हैं दूसरे किसी और फोन से आप कनेक्ट होइए। फोन में पीसीआर बता रहा है कि फोन में कुछ कनेक्शन की कुछ समस्या है, तो उस वजह से फोन से ही आपके जो वो है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तब तक उमा सिसोदिया जी के पास चलते हैं। उमा सिसोदिया जी, ठीक है, रोजगार भी बटेंगे, सब चीजें ठीक हैं, बातें होंगी, सब कुछ, लेकिन स्किल की भी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को पहले स्किल्ड भी करना पड़ेगा, स्किल नहीं है उत्तराखंड के यूथ के पास। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारा उत्तराखंड बना था तब ये कहा गया था कि जो हमारे जो सैलाकुई में या रुद्रपुर में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर 70-80% जो है बेरोजगार उत्तराखंड से लिए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वहां पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को लेने की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती रही। पता चला कि वहां फैक्ट्री वाले के बोलते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे जो है वो स्किल्ड नहीं है। देखिए भाई, प्रॉब्लम इसके पीछे वही है, हमारे बच्चों की स्कूल शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए। हमारे पहाड़ों पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूली जो शिक्षा है उसी के ऊपर निर्भर है। वहां पर शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी 1-1.5 साल पहले मैं गरुड़ में थी, हमारे पार्टी का कुछ कार्यक्रम वहां पर था गरुड़ में। वहां पर बच्चों ने हमें ज्ञापन दिए कि वहां पर जो पॉलिटेक्निक है आईटीआई जो है उसमें पिछले 3 साल से कोई भी टीचर नहीं है, नॉट अ सिंगल टीचर, कोई टीचर नहीं है वहां पे। और वो आईटीआई वहां पर खुला हुआ है, टीचर्स को घर तक पैसा पहुंचता है, मतलब वो तनख्वाह पे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं। तो आप ऐसे में बताइए कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे कि जब हमारे पहाड़ के जो इंटीरियर क्षेत्र में जो आईटीआई हैं या जो स्कूल्स हैं वहां पर हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो क्या ये बच्चे एक पढ़े, मतलब जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर के जो बच्चे होते हैं जहां पर कि काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या उन बच्चों के साथ मुकाबला कर पाएंगे? तो सबसे पहले जब तक हम अपने स्कूलों को, अपने जो हमारे दूसरे संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जब तक वहां पर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, सही उनको काम के जो भी उनके ट्रेड्स है उनको नहीं सिखाएंगे, तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे बच्चे जो है वो स्किल शिक्षा लेकर जाएंगे और किसी फैक्ट्री में वो लोग काम करेंगे। फैक्ट्री मालिक की भी प्रॉब्लम है, फैक्ट्री मालिक की भी टेंशन है कि उसके पास स्किल्ड लेबर नहीं आता। तो उत्तराखंड में इस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। टूरिज्म पर आश्रित है और कोरोना काल ने, कोविड टाइम्स ने, हमने ये देखा है कि पूरी तरह से जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी कमर तोड़ कर रख दी। ये लोग भी बेरोजगार की पूरी तरह से बेरोजगार की श्रेणी में आ गए। हालांकि पहले 6 महीने रोजगार था तो 6 महीने बेरोजगार रहते थे, अब तो इनको देखा जा रहा है कि पूरी तरह से बेरोजगार है। और जो टूरिस्ट थे उन्होंने अभी आना बहुत कम कर दिया, बहुत कम संख्या में टूरिस्ट नजर आते हैं और ज्यादातर समय तो लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है। तो ये भी अलग से देखिए भाई, मैं इस चीज को नहीं, मैं आपकी इस बात से
आंशिक रूप से सहमत हूँ कि कोरोना की वजह से उत्तराखंड के टूरिज्म का जो है वो पूरा विकास नहीं हुआ। अगर हम पिछले 21 सालों में देखें तो हम अपने प्रदेश में नए टूरिस्ट स्पॉट हम जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाए, ले देकर फिर वही धनौल्टी मसूरी और इधर इस तरफ हम जाए तो नैनीताल। इसके अलावा हमारे यहाँ इतने टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन हम उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए कि टूरिस्ट जो है वहां तक आए। आप ये देखिए कि मसूरी की ये हालत हो जाती है कि हम लोग अपने 200-300 अगर किस दिन मसूरी में जाम लग जाता है या ऊपर बारिश आ गई वहां पे बर्फ पड़ गई तो जाम इतना भयंकर हो जाता है कि हमें अपनी हजारों गाड़ियां देहरादून से वापस भेजनी पड़ती है। बिल्कुल, तो आप ये सोचिए कि जो पैसा मसूरी में आना था लोग वहां आते वहां रुकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की मसूरी में आज तक कोई पार्किंग नहीं है, सड़क के किनारे पार्किंग मतलब जो होती है वो खड़ी होती है। तो ये किसकी किसकी नाकामी है? ये हमारे सरकारों की नाकामी है कि इतना खूबसूरत हमारा प्रदेश, इतना सुंदर, इतना बेहतर हमारा पर्यटन प्रदेश हो सकता था लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ चार धाम यात्रा पर है। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, ठीक है हमारे पास चार धाम है, हमें अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चलना चाहिए लेकिन उसके अलावा दूसरे जो तमाम क्षेत्र हमारे पास है वहां पर भी हमें टूरिस्टों को वो सुविधाएं हमें देनी पड़ेंगी और सभी सुविधाएं हमें देनी पड़ेगी ताकि हर व्यक्ति के लिए वो अफोर्ड कर पाए। और इस समय आप ये समझिए कि जो पार्किंग है वो तो पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है। हम तो नैनीताल में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, धनौल्टी में देखते हैं और तमाम जो दूसरी जगह है वहां तक तो पर्यटक पहुंचते ही नहीं इसी टेंशन की वजह से कि पार्किंग कहाँ करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसका अगर आप सत्ता में आती हैं तो ये भयानक चुनौती आपके सामने खड़ी होगी, तैयार है निपटने के लिए? देखिए मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई इफ एंड बट नहीं करते, आप कोई बहाने नहीं बनाते। आपको काम करना है प्रदेश के लिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है तो आप ये बहाने बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, फाइलें यहाँ से वहां जाने में 6 महीने लगा देती हैं। उत्तराखंड में कि हमारे मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते। बिल्कुल, तो ये नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भयानक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। सरकार आपकी बनती है तो सबसे पहले जो प्राइमरी बेस पर जिन चीजों पर काम करना होगा उस पर इस पर भी काम करना होगा। क्या 5 साल के कार्यकाल अगर आपको दिया जाता है, मिलता है, तो क्या उसमें इस सबसे बड़ी समस्या से निपट सकेंगे आप? नहीं, बिल्कुल निपट सकेंगे। आम आदमी पार्टी की वो इच्छा शक्ति है और हमने इस चीज को दिल्ली में ऑलरेडी करके दिखाया है। जब कहा जाता था कि आप बिजली कहाँ से खरीदेंगे, केजरीवाल जी ने दी, उसके बावजूद भी हमारा जो बिजली निगम है वो प्रॉफिट में है। हमने वहाँ पे 700 यूनिट पानी जनता को फ्री दिया, उसके बाद भी जल निगम में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर काम करना चाहती है, अगर मंत्री अपने विभाग को सुधारना चाहता है, दिन रात काम करने की उसकी इच्छा शक्ति है तो मैं नहीं समझती कि अधिकारी जो है काम नहीं करेंगे। अधिकारी वर्ग से किस तरीके से काम कराना है वो एक ईमानदार मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, गुल मोहम्मद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए वापस। गुल मोहम्मद साहब, मेरा सवाल वही है जो पहले भी था कि जब से उत्तराखंड बना है, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक कांग्रेस बीजेपी आपको उत्तराखंड वासियों ने भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया, आपको शासन दिया, सत्ता दी, लेकिन इसके बावजूद पलायन की समस्या बदस्तूर जारी है और बढ़ी है। रोजगार मिलना कम हुआ है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। जनता जनार्दन है, जनता किसी को भी अपने सर माथे पर बिठा सकती है। जनता ने भाजपा को भी अवसर दिया सरकार में आने का, जनता ने कांग्रेस को भी अवसर दिया सरकार में आने का। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार के साथ साथ वहाँ की खेती, वहाँ की फसलें, हमारे पहाड़ों की फसलें आज देश विदेशों में जानी पहचानी जाती है। कहीं ना कहीं रोजगार को इतना बढ़ावा मिला कांग्रेस सरकार में कि आज आप झंगूरे की खीर, चौलाई, अगर इनकी सब माल्टों की, मौसमी की, हर फल हर सब्जी की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश विदेशों में पहचानी जाती है हरीश रावत जी ने। आपको ऐसी, ठीक है चलिए बातें हो जाएंगी, बातें तो बहुत होती है, बातों की अलग ही बात है, लेकिन ये बताइए अपनी कुछ ऐसी योजनाएं बता दीजिए, इस योजना की वजह से हमने इतने युवाओं को स्किल्ड किया, या कुछ योजना बताइए जिससे आप ये कह सके कि हमने इतने युवाओं को नौकरी दिलवाई। पीआरटी के माध्यम से युवाओं को, बेटियों को रोजगार मिला। गौरी देवी नंदा योजना चालू की थी, उसमें बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए 50,000 रुपए बेटियों को मिलते थे। मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ यात्रा अगर
घर में परिवार में बुजुर्ग हैं तो फ्री में यात्रा कर पा रहे थे। आपने इतना रोजगार दिया, आपने इतना रोजगार दिया, लेकिन जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ था ना, जब कांग्रेस से बीजेपी के हाथों में सत्ता गई थी, तब 8,91,141 रजिस्टर्ड बेरोजगार थे। ये डाटा है सेवा योजना निदेशालय का, मेरा नहीं। आप अगर डाटे वाली अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा है, मैं डाटे वाली बात पर आ जाऊं। कांग्रेस ने कम से कम काम देख कर क्या करूंगा, काम देखने के लिए कुछ आंकना भी तो पड़ेगा ना। आपको डेटा बता रहा हूं कि जब आपकी सरकार गई थी तब आप इतने बेरोजगार छोड़कर गए थे, तो बातें हैं बातों का क्या, ये मत कीजिए। ये बताइए कि 8,91,000 बेरोजगार आप छोड़कर गए थे, बातें आप कर रहे हैं मीठी मीठी। मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगार तो सबको नहीं दिया जा सकता, पर हमारी सरकार बस आ गए सबको नहीं दिया जा सकता। कोशिश क्या की गई 53,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है, पीआरडी के माध्यम से 30,000 बेटियों को रोजगार दिया गया है, और स्वास्थ्य महकमे में बेटियों को रोजगार दिया गया है। अब ये हमारे आकलन है जो मतलब आपकी जब सरकार गई थी तब आपने इतना रोजगार दिया, लेकिन आप ये भी अपने मुंह से, स्वयं के मुंह से ये बोलिए कि 8,91,000 से ज्यादा लोगों को हम नहीं दे पाए, हम बेरोजगार छोड़ के। जनता जनता जनार्दन है, भाजपा ने युवाओं को बरगला के सत्ता में पूरी बरगलाएगी क्यों, जब 8,91,000 युवा बेरोजगार है तो बरगलाने की क्या जरूरत है। अब जनता जनार्दन है, जनता किसी को भी सर माथे पे बिठा सकती है। हाँ, तो आपने उनको नौकरी पर नहीं बिठाया ना। भाजपा ने 5 सालों से कितना रोजगार प्रदेश के युवाओं को दे दिया, आपके पास इसके आकलन है, नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने रोजगार किसी को दिया ही नहीं। मैंने तो आंकड़ा है शुरुआत में ही बता चुका हूँ सारे, फिर भी आज तक आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कह रहा हूँ, ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम किया है बीजेपी की सरकार ने। कोरोना काल के वक्त उन्होंने कहा था, योजना का नाम भी बता देता हूं, बड़ी सुंदर सी योजना है, योजना का नाम है स्वरोजगार योजना, लॉन्च किया था, ताली वाली बकायदा बजा के चैनलों पर खूब बढ़िया स्पीच देके, टारगेट रखा था 1,500 मार्च तक, 1,500 को देंगे, 3,000 को दे दिया, डबल इंजन की सरकार ने डबल कर दिया था, और इसको भी अपनी उपलब्धि बताया था 3,000, और बेरोजगार कितने हैं, 10 लाख तो बेरोजगार उत्तराखंड में है, और 5 लाख तो वापस आ चुके हैं उत्तराखंड। इस वक्त उत्तराखंड बेरोजगारों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। डबल इंजन तो पहले ही फेल हो चुका था, तो तीसरा इंजन लगा है, खाली जुमलेबाजी की सरकार है, किसी को कोई रोज। और एक और बात बता देता हूँ आपको कि ये जो रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, ये हालांकि अब रैलियां काबू में है, लेकिन रैलियों में जो भीड़ नजर आती है ना, इस पर इतराना नहीं चाहिए, ये बेरोजगारों की भीड़ है, समझे। कांग्रेस ने रैलियां स्थगित कर दी कोरोना काल के चक्कर में, भाजपा आज भी रैलियां कर रही है, प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी देहरादून आ रहे हैं, पौड़ी आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो जनता की परवाह करते हुए अपने सारे रैलियां, अपनी सारी मीटिंग सारी स्थगित कर दी। भाजपा आज भी जो है लोगों की जान जोखिम में डालकर रैलियां कर रही है। अरे बेरोजगारी पर बहस चल रही है भैया, बेरोजगारी पर चल रही है, बेरोजगारी पर रहेंगे, रैलियों पर होती रहती है, उस समय आएंगे। कांग्रेस सरकार ने रोजगार देने का काम किया और रोजगार देती आई है कांग्रेस और आगे भी देगी। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर साहब जुड़ गए, हालांकि फोन लाइन पर है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कविंद्री। नमस्कार, देर से आए, दुरुस्त आए, नौकरियों पर चर्चा हो रही है, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं महाराज? ठीक है, किसने कहा? ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ, किसने कहा? मैंने नहीं कहा जी, ना ही उमा जी ने कहा और ना ही गुल मोहम्मद साहब ने कहा। कहा किसने? सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा कि 11% है बेरोजगारी दर। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 14.5% है बेरोजगारी की दर। तो ये है दर, और इसके साथ ही साथ सेवा योजन निदेशालय ने कह दिया कि 8,72,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं 2020 से लेकर 2021 में, और आपने नौकरियां दी 1,392। आप ही ने कही है सारी बातें। अब मैं भी थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा आप सुनेंगे। ठीक है, कहिए नवीन जी।
भारत सरकार का जो सांख्यिकी और पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा जो निर्गत बेरोजगारी दर है वर्ष 1917 में जो 7.6% थी 2019 में 7.1% हुई और आज जो है वो न्यूनतम 3.1% पे पहुंच गई है। अच्छा, और हमने 17,000 लोगों को रोजगार दिया। हमारे जो है शासकीय प्रवक्ता सुबोध दयाल जी ने सारे आंकड़ों के साथ तथ्य रखे हैं। आज सरकार की अच्छा ठीक है, ये कौन से कैसे आंकड़ों के साथ तथ्य रखे, मतलब नाम और पद और सब कुछ बता दिया कि ये इसको यहाँ नियुक्ति मिली, इसको यहाँ नियुक्ति मिली। इसका इस सारी इन सारी बातों का पोस्टमार्टम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सारे लोग दस दस बार कर चुके हैं। हरीश रावत जी ने जब चुनौती दी थी कि अगर 3,000 भी नौकरियां दी होंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, हमने तथ्यों के साथ सबूतों के साथ 17,000 जो नौकरियां दी सरकारी, आप तो अन्य मजबूत भी हो अलग है लेकिन जो सरकारी दी उसके तथ्य हरीश रावत सरकार ने युवाओं को नौकरी दी है, 30,000 बेटियों को नौकरी दी है और भी उन्हें आग्रह है रोजगार के अवसर खुले हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ 30,000 नियुक्तियों की जो प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चल रही है अलावा। आप दोनों लोगों की बहस को सुनकर उत्तराखंड का कोई बेरोजगार इस वक्त उदास हो रहा होगा, कह रहा होगा आपने इतने रोजगार बांटे, आपने इतने रोजगार बांटे, वो कहाँ रह गया। देखिए कामिंद्र जी, ये भी कड़वा सत्य है, कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं आपके चैनल बेवाकिफ बताता हूँ, हर किसी को सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता। लोग जो है केवल रोजगार की बात करता है लेकिन जिनके कारण रोजगारी हर तरह के देखिए हर तरह के रोजगार की बात कर रहा हूँ, हर तरह के रोजगार की बात कर रहा हूँ जी। तो हर तरह के रोजगार में 7-8 लाख रोजगार हमने दिए, वो हमने जो है प्रत्येक विषय में बताया, चाहे होम स्टे योजना के अंतर्गत हमने रोजगार दिए हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत हमने जो है व्यवसाय कराया हो युवाओं को, चाहे हमने जो है 3-3 लाख के जो है 0% ब्याज पर युवाओं को जो है लोन दिए हो, चाहे हमने जो है सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के तहत लोगों को रोजगार दिए हो, हमने होम स्टे के तहत कम से कम जो है 17-18 हजार युवाओं को जोड़ा, उसमें 3,500 डायरेक्ट जुड़े हैं और एक युवा होम स्टे अगर करता है तो एक युवा का अकेला रोजगार। बताइए उमा जी, बताइए उमा जी, बताइए लोगों को रोजगार देता है। ठीक है उमा जी, आप बताइए, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सुन रही हैं आप कांग्रेस के साथी बीजेपी के नेता जी प्रवक्ता जी हमारे से क्या कह रहे हैं, पकड़ पकड़ के रोजगार दिया गया, पकड़ पकड़ के। आप इनसे, मैं बीजेपी के प्रवक्ता अपने भाई से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, और एंकर महोदय आपने भी जब ये डिबेट शुरू की थी तब आपने कहा था कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और आपने एक बात बोली थी कि अगर नौकरी नहीं है तो नियुक्ति नहीं है, नियुक्ति भी अगर हो जाती है तो उसमें एक बात और जोड़ती है, नियुक्ति है तो फिर तनख्वाह नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर लोग घूम रहे हैं जिनकी नियुक्ति भी हो चुकी है, वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको टाइम से सरकार तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है। तो बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हमें पूरी व्यवस्था में करना, पूरी व्यवस्था में, और ये व्यवस्था एक दिन में बिगड़ी नहीं है तो एक दिन में सुधरेगी भी नहीं, लेकिन अगर कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की सरकार आती है जो प्रदेश के लिए ठान ले कि हाँ मेरे को 5 साल सरकार ने दिए हैं, जनता ने दिए, मैं 5 साल से सरकार है, मुझे काम करने हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये उत्तराखंड की समस्या इतनी विकराल है कि आप काम नहीं कर पा रहे। देखिए गुल मोहम्मद साहब मुस्कुरा रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए एंकर महोदय, सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस और बीजेपी की क्या है कि 5 साल ये सिर्फ सत्ता के गठजोड़ में लगे रहते हैं, धामी जी मुख्यमंत्री बनकर आए, उनका पूरा का पूरा फोकस खनन के ऊपर हो गया, तो आपको मुझे लगता है खनन में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मूड में, खनन में आप सबसे ज्यादा रोजगार दे लीजिए, तो जो इस तरह का भ्रष्टाचार वाली सरकारें आज तक रही है पिछले 20-21 सालों में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड की। ठीक है गुल मोहम्मद साहब, आपने जो ये बात कही है मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने दिल्ली से आकर दे रहे उत्तराखंड वासियों को कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या 300 यूनिट दिल्ली में फ्री दे रही है सरकार। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे महंगी आज देश के अंदर दिल्ली में बिजली महंगी है, 200 यूनिट के बाद अगर कोई एक यूनिट भी बढ़ जाती है तो उससे डबल गुल मोहम्मद साहब एक मिनट रुकिए, मैं लालकुआ की बात करता हूँ, अब लोनावाला पहुंच जाते हैं, डिबेट क्या चल रही है, बेरोजगारी पर डिबेट चल रही है, बेरोजगारी पर बहस चल रही है, उसी को लेकर उमा जी ने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है कांग्रेस और बीजेपी में, अभी मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब है हमारे उनसे भी पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ इच्छा शक्ति की कमी है, उमा जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। जो मुद्दे जब हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अखरोट का पेड़ लगाने पर 300 रुपए बोनस था, अगर आप सेब के पेड़ लगाते हैं उस पर 150 रुपए का बोनस था। तो हरीश रावत जी ने सारी चीजों को उत्तराखंडियत को देखते हुए इतने रोजगार के अवसर खोले थे और इतनी योजनाएं बनाई थी कि ताकि यहाँ से पलायन को रोका जा सके, और आज वही मतलब नहीं रोक पाए, विफल रहे नहीं रोक पाए जी। ठीक है, बहुत अच्छी ईमानदारी की बात है कि आपने इस बात को स्वीकार किया। ठीक है नवीन साहब, हरीश रावत साहब ने हर प्रयास किया कि पलायन को रोका जाए। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पेड़ पौधे लगाने पर भी एक बोनस अमाउंट दिया गया ताकि पलायन रुके, लेकिन वो विफल रहे। आपने उसके लिए क्या किया, आपने क्या कोशिश की कि पलायन को रोका जा सके? पलायन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा हमारा जो पलायन होता है वो दो काम से, एक तो शिक्षा के लिए जो है नीचे आता है, अगर शिक्षा की वहां से व्यवस्था नहीं, दूसरा सबसे ज्यादा संख्या रोजगार की। और हमने कहा कि हमने पहाड़ों में रोजगार के माध्यम से जो है पलायन रोकने की कोशिश की, और कोरोना काल के दौरान तो रिवर्स पलायन हुआ है उत्तराखंड में। 7 लाख प्रवासी आए थे और उसमें से केवल 5.5 लाख लोग लौटे, 1.5 लाख लोग जो है रिवर्स पलायन उत्तराखंड में हुआ, ये अपने आप में जो है बड़ी बात। हमने डबल इंजन की सरकार द्वारा उत्तराखंड के 6,08,000 युवाओं को रोजगार हेतु 7,792 करोड़ का ऋण वितरित किया पिछले 5 साल में, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत हमने 35% सब्सिडी या अधिकतम जो है 15 लाख तक का जो है सब्सिडी का प्रावधान किया। स्टार्टअप भारतीय जनता पार्टी ने 90 स्टार्टअप को मान्यता दी, जिनमें से 16 स्टार्टअप को तो हमने इसके प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक है, आज की स्थिति क्या उन स्टार्टअप्स की जानने की कोशिश की आपने? बिल्कुल, उसके अंतर्गत जो है आज भी हमारे पास 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है उस स्टार्टअप के अंदर में। ठीक है, आजकल जैसे जनसेवा केंद्र दिखते हैं, वैसे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले स्किल इंडिया के दफ्तर दिखते थे, कहां गए वो? कितने लोगों को स्किल किया? उन लोग जो स्किल इंडिया के जिन लोगों को जो है स्किल किया उनमें 6.5 लाख लोगों को रोजगार हुआ, 2,950 कारखानों में 6,30,000 लोगों को रोजगार मिला स्किल इंडिया के माध्यम से। कहां है अभी की तस्वीर, क्या है, कितने लोगों को स्किल किया जा रहा है? देखिए मैंने आपको बताया कि हमने जिन लोगों को स्किल किया था उन कारखानों की संख्या भी आप बता रहा हूँ, फैक्ट्रियों की संख्या बता रहा हूँ, 2,950 फैक्ट्रियों में 6,30,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ जो पिछले हमारे सरकार द्वारा 4.5 साल में स्किल किए। ठीक है, और आगे भी लगातार इसी रफ्तार से हम लोगों को जो है स्किल्ड बना रहे हैं ताकि उनको अपने क्षेत्र में आस पास जो है रोजगार मिल सके, स्वरोजगार के लिए हम जो है विभिन्न योजनाएं उनको दे रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी हमने बहुत सारे जो है उद्यमशील युवाओं को कुशल। ठीक है, जो ये जो स्वरोजगार योजना है, ये जो स्वरोजगार योजना है इसका लक्ष्य रखा गया था कि 1,500 लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आपने टारगेट डबल कर दिया, 3,000 कर दिया। अगर रोजगार ज्यादा लोगों को मिल गया तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिएगा, आपने सबसे पहले जिक्र किया था रिवर्स पलायन का, तो दरअसल ये रिवर्स पलायन नहीं है, पलायन अलग अलग तरीके के होते हैं। जब उत्तराखंड से लोग बाहर जा रहे हैं तो संभावनाओं की खोज में जा रहे हैं, बेहतर भविष्य की खोज में जा रहे हैं, लेकिन वो जो वापस उत्तराखंड आए हैं वो रोते हुए आए हैं, रोष में आए हैं, मजबूरी में आए हैं, और यहां आकर वो और ज्यादा मजबूर हैं, और ज्यादा परेशान हैं कि आखिर करें तो करें क्या, भविष्य की कोई तस्वीर उन्हें दिखाई नहीं दे रही। अब मैं बताता हूं आपकी हकीकत, आपने कम से कम 3 से 4 बार जिक्र किया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, आपने कहा कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया तो ये तो बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब दर्शकों जरा सुनिएगा कि बढ़िया बात क्या है, बढ़िया बात क्या है कि अगर ऊपरी ऊपरी मोटा माटी आंकड़ा देखें तो कम से कम 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और 5 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं वो बेरोजगार हैं, और इन्होंने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके तहत रोजगार दिया है डबल, मतलब 3,000 लोगों को, 3,000 लोगों को रोजगार दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्यों नवीन जी? इसलिए 3,000 लोगों को जो रोजगार की बात हुई है ना वो होम स्टे योजना के अंतर्गत दिया गया, और जिनको 3,000 को दिया उन्होंने प्रत्येक को 7 से 8 को दिया है रोजगार, तो आप 3,000 से 7-8 को मल्टीप्लाई करिए ना, और जो आप बोल रहे हैं दुखी हैं परेशान हैं, अगर वो दुखी परेशान होते तो उत्तराखंड में ना टिकते,
उनको यहाँ पे रोजगार मिला, उनको संरक्षण मिला, उनको लगा कि यहाँ कोई अपनी सरकार देखभाल कर रही है। जो दिल्ली से परेशान होकर आए, जो महाराष्ट्र से परेशान होकर आए, जो हरियाणा और अन्य राज्यों से आए, जिनके रोजगार छिन गए थे कोरोना जैसी महामारी में, उनको हमने रोजगार देने का काम किया, तब रुके यहाँ पर हो, ऐसे नहीं कोई रुके हैं। ये तो पहले वो बाहर रोजगार देने गए थे तो बाहर ही जाते वापस, पर उनको यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक तरह से जो है सहायता प्रदान की, प्रोत्साहन हमने दिया, उनके रहने का इंतजाम किया, हमने उनके भोजन का इंतजाम किया, हमने 80 करोड़ लोगों को केंद्रीय सहायता से राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया, उसको जितने रोजगार इन्होंने जितने रोजगार, ठीक है आप रुकिए ठीक है नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नवीन जी ने जितने रोजगार गिनवा दिए, ऐसा लग रहा है इसमें उमा जी को भी रोजगार मिल गया, गुल मोहम्मद साहब को भी रोजगार मिल गया, सभी को रोजगार मिल गया, जितने उत्तराखंड में लोग नहीं है उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया। मैं इनकी जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने रोजगार इन्होंने गिना दिए हैं, अगर धरातल पे कोई एक रोजगार है जहाँ पे 10 आदमी या 20 आदमी या 50 आदमी उस रोजगार को चला के रोटी खा रहे थे, गिना दे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात भाई साहब, जितने रोजगार आपने गिनाए थे एक रोजगार मेरी सुन लीजिए आप ध्यान से। वो चले गए, सीमा डोरा जी आ गई है। हाँ, सीमा डोरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी से प्रवक्ता है। हरीश रावत जी ने कांग्रेस सरकार में इंदिरा अम्मा कैंटीन पूरे प्रदेश में बनाई, उसमें इतनी महिलाओं को रोजगार मिला और गरीब को पेट भर 20 रुपए में खाना मिला। तो कांग्रेस ने आम जन की भावनाओं को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए पूरे प्रदेश में इंदिरा अम्मा कैंटीन सुचारू की, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आते ही उनको बंद कराने का काम किया। हरीश रावत जी ने हर तरीके से रोजगार देने का काम किया उत्तराखंड को, और रोजगार दिया मैं गिना सकता हूँ, धरातल पे बता सकता हूँ। आज ये चीजें हर किसी की जानकारी में है कि इंदिरा अम्मा कैंटीन पूरे प्रदेश में खोली गई थी, जिसमें समूह की महिलाएं काम करती थी, अपना घर चलाती थी, परिवार चलाती थी। और आज अगर आप जितने रोजगार ये गिना पा रहे हैं, अगर ये धरातल पे एक रोजगार बता दे कि जिस रोजगार से 10 लोगों का घर चल रहा हो, तो आप इनसे पूछ लीजिए, इनकी मैंने अपनी जानकारी इनको बता दी, अगर इस बात का इनके पास कोई जवाब है तो मुझे बताइए। आपने कुछ जानकारी नहीं बताई, आपने सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस की जब सरकार थी बहुत स्वर्णिम काल था, सब किसी के पास रोजगार था, हर कोई डीएम था, कलेक्टर था, पटवारी था, सब रोजगार से मस्त, गरीब जन के पास रोजगार था, आम जन महिलाएं अपना घर चला रही थी। इंदिरा अम्मा कैंटीन पूरे प्रदेश में सुचारू की, इंदिरा अम्मा कैंटीन में कम से कम 50 आदमी अपना घर परिवार चला रहे थे, और गरीब आदमी। बड़ी बातें हो रही है यहाँ पर, बड़ी बातें हो रही है, लाखों की बातें हो रही है, जो बेरोजगार थे आपकी जब सरकार गई थी तब मैंने आपको बता दिया ना, 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों को आप छोड़ कर गए थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी से प्रवक्ता है। सीमा डोरा जी, लाखों लाख बेरोजगार हैं, लाखों लाख बेरोजगार, और रोजगार क्या है, कुछ हजार कुछ हजार कुछ हजार। तो बेरोजगारों की जो बड़ी समस्या है, ये जो आपका रोजगार देने का जो सिलसिला ये घटता गया और बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, ये बैलेंस नहीं हो रहा बिल्कुल भी, समस्या बड़ी है। आप इसको चुनौती मानती हैं, सबसे पहले तो ये बताइए इसको चुनौती मानती हैं आप इसको? देखिए, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, 3.1 दर है उसकी, और हमने हर क्षेत्र पे रोजगार देने की कोशिश करी और निरंतर प्रयास है, 22,000 पद अभी भी हम रिक्तियां जो है भरेंगे, और स्वरोजगार योजना के तहत हमने बहुतों को रोजगार दिया और सब्सिडी भी लोगों की 50% सब्सिडी है। बहुतों को कितने लोगों को? डाटा भी नहीं है मेरे पास, आप निकाल सकते हो डाटा, या आप अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको। आपने डबल कर दिया, जितना लोगों को आपने टारगेट लिया था उससे डबल लोगों को रोजगार दे दिया आपने, ये अच्छी बात है। 1,500 लोगों का टारगेट था आपका, 1,500 लोगों का टारगेट था, आपने 3,000 लोगों को रोजगार दिया है। जो बाहर से बच्चे आए थे कोरोना काल में, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर एस्टैब्लिश करे हैं, यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल लगभग अनुमान एक कहता है कि 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, लेकिन आपने 1,500 का टारगेट रखा था और 3,000 को रोजगार दे दिया, 5 लाख में से 3,000, क्योंकि जब हमने टारगेट रखा था तब कोरोना नहीं आया था, लोग जो थे बाहर से नहीं आना था, लेकिन उसके बाद लोग आए और सेटल हो गए यहाँ पर, फिर आप भूल गए। पहाड़ों में इतनी खूबसूरत सीनरीज है यहाँ पर, लोगों ने देख, आप देखिए कि लोगों ने कितने रिसॉर्ट्स खोले, गरीब आदमी पहाड़ों का लुत्फ नहीं उठा पाता,
वो अमीरों की बातें हैं कि इतने सुंदर दिखते हैं पहाड़, नहीं उठा सकता, लेकिन जब कोई मैं बेरोजगार क्या करेगा, पहाड़ों का लुफ्त उठाएगा? सुनिए, जब कोई जब रिजॉर्ट खोलेगा तो वहां पर रोजगार तो मिलेगा स्थानीय लोग, जो स्थानीय लोगों को, ठीक है, जो होम स्टे खोलेंगे तो वहां पर भी तो रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी और लोगों को भी, तो जो साथ साथ लोग जुड़े हुए होते हैं उनको भी रोजगार मिल ही जाता है। लेकिन कोरोना काल में तो दरअसल जो पहले से खुले थे वो भी बंद हो गए, और नहीं टूरिज्म इंडस्ट्री पर तो शॉर्ट ऑब्वियस शॉर्ट पीरियड के लिए तो हर चीज बंद हो गई थी। आप और मैं भी घर पे ही बैठे थे ना, उसके बाद हमने काम करने शुरू करे, हर चीज जो थी डिजिटल लहर की आशंका है, बंद हो गया था। तीसरी लहर की आशंका है, एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन रही हैं, ठीक है जी, बन रही है स्थितियां। अब ऐसे में ये बताइए, इन लोगों की जो आप बता रही है, जो लोग पूरी तरह से आप बता रही है कि रिजॉर्ट खुल रहे हैं, ये सब चीजें खुल रही है, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, इनके लिए क्या, ये तो फिर बेरोजगार हो गए। देखिए, जब पहली बार कोरोना आया था तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें जिया कैसे जाए। ग्रेजुअली लोग जागरूक हो गए। पहले हमारा काम था जागरूक करना लोगों को कि घर में रुको, हमारे पास जो सरकार की सुविधाएं थी वो मुहैया नहीं करा पा रहे थे। अचानक एकदम से जब कोरोना आया, उसके बाद सरकार ने उस पर काम किया, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, हॉस्पिटल्स बने, ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, लेकिन आज की डेट में लोग जो लोग भी जागरूक हो गए और सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सरकार हमें ये जीना आना पड़ेगा। लोग ने पकौड़े तलकर खुद का रोजगार ले लिया, लोगों ने समोसा बनाना सीख लिया, रोजगार ले लिया, लोगों ने रिजॉर्ट खोल लिया, रोजगार ले लिया। सरकार ने क्या किया रोजगार देने के लिए? सरकार ने सब्सिडी दी, आप लोन लो और सब्सिडी दे रही है। पहले आप लोग जब आपके भी पहले जब लोग हाई क्वालिफिकेशन के लिए ये वाला अप्लाई करते थे, ये वाला अच्छा है कि सब्सिडी दी सरकार ने, जब भी रोजगार की बात करो सब्सिडी दी सरकार ने, आप ये बढ़िया, ये वाला अच्छा है, आपने बताने की भी जरूरत नहीं, सब्सिडी दे रही है सरकार ने। आप, मैं आपसे पूछती हूँ, आप सच बताइएगा, आज से 15 साल पहले मैं ये पूछती हूँ, क्या से 14-15 साल पहले एजुकेशन लोन कितना इजी था लेना, आज की डेट में कितना इजी है लेना? मैं आपसे कहूँ कि आज से 14-15 साल पहले, आज से 14-15 साल पहले आप यू टीवी पर भी इस माध्यम से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से भी नहीं बैठ पाती। चीजें बदली है ना, तो ये किसने करा, चीजें बदली है, डिजिटल किसने करा, आपने किया? अरे अखिलेश यादव मत बनिए कि ये भी आपने किया, ये भी आपने, सरकार ने ही तो फैसिलिटीज तो हमारी सरकार ने दी, जब सेंटर में आई भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह डिजिटल हो गया, ये मोदी जी का ही तो सपना था हर चीज को। आज अब मैं और आप बैठ के टाइम कितना वेस्ट होता था बाहर जाने में, नेताओं में सपना देखने की भी होड़ चली, सपना देखने की भी होड़ चली, सपना पॉलिटिक्स आप उत्तराखंड में मत करिए, यूपी में ठीक है अभी। चलिए ठीक है, उमा जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं सब्सिडी दी तो है, जाइए रोजगार खुद देखिए कैसे करना है। देखिए एंकर महोदय, ऐसे बहुत सारे केसेस, सैकड़ों केस ऐसे हैं, मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में ये बात कही कि सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार कैबिनेट में बैठती है, योजनाओं का पूरा जो जितने हमारे एक जो दिमागदार आईएएस पीसीएस ऑफिसर थे वो बड़ी बड़ी योजनाएं बना देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ब्रेन की कमी है और हम लोग अच्छी योजनाएं नहीं बना सकते, और सरकार उन योजनाओं की घोषणा करके वाहवाही नहीं लूट सकती, तालियां नहीं बजवा सकती। प्रॉब्लम आती है कि जब वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। आपने सब्सिडी की बात की, आपने बैंक लोन की बात की, आज की तारीख में आप ये सर्वे जरूर कराइएगा कि कितने बेरोजगार अपनी सारी फाइलें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ले लेकर बैंकों के सामने खड़े हैं और बैंक उनको लोन नहीं करते, जबकि सरकारों के होर्डिंग्स जो है उसी बैंक की एक दीवार पर लगे होते हैं कि आप आइए सब्सिडी लीजिए, लोन लीजिए और अपने अपने उद्योग लगाइए। जो लोन का जो रेट है वो इतना कम है और उसके लिए इतनी सिफारिशें लगानी पड़ती है बैंकों में, और इतने बड़े बड़े नेताओं के फोन जब पहुंचते हैं तब उसके बाद कहीं जाकर बैंक देते हैं, और एक व्यक्ति जिसकी कोई गारंटर ना हो या जिसके पास कोई संपत्ति ना हो दिखाने के लिए, उसके लिए तो बैंक लोन लेना असंभव हो जाता है। अजीब सी स्थिति है हमारे देश के, कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का लोन लेकर भाग जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 के लोन के लिए एक से बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे तीसरे बैंक में दर दर ठोकरे खाता रहता है। और इस तरह के तमाम केस हमारे सामने आते हैं जिसके लिए हम भी कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरह से बैंक से लोन मिल जाए। तो सरकार
योजनाएं बनाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके लिए एक ऐसी चीज है कि ये थोड़ा सा पुराना है। उमा जी मुझे नहीं लगता कि इस पर आप किसी को भी घेर सकती हैं। आप भी यही काम करते हैं दिल्ली में, आपकी दिल्ली में सरकार है, आप भी कहने के लिए नेताजी कुछ है, करने के लिए तो नेताजी कुछ और है ना। ये तो उमा जी दिल्ली में भी है, इस पर तो आप भी घिर जाएंगे। 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मास्क लगाइए, भीड़ में मत आइए, रैली बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग सुरक्षित रहिए। वही अरविंद केजरीवाल जी, द सेम अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी को पंजाब में रैली कर रहे होते हैं, 3 जनवरी को वो लखनऊ में रैली कर रहे होते हैं, 4 जनवरी को वो उत्तराखंड में रैली कर रहे होते हैं, हर जगह ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप रैली में आए। ये भी तो एक नेता है, आप ही के तो नेता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद फैला के चले जाते हैं कोरोना देख के चले जाते हैं, कोरोना हो गया, ट्वीट करके पूरे देश को इस बात की जानकारी दी कि मुझे कोरोना हुआ है। और आम आदमी पार्टी पुरजोर मांग उठाती है इस समय जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है कि बड़ी से बड़ी रैली और जनसभाओं पर रोक लगा देनी चाहिए। हम तो आज मतलब नहीं करेंगे कोई बड़ी जनसभा, लेकिन इस पर रोक जो है वो चुनाव आयोग लगाए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब ने 4 तारीख को बताया कि उनको कोरोना है, उन्होंने जानकारी दी। भगवंत मान साहब 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, और जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि मुझे कोरोना हो गया है, भगवंत मान साहब तो पंजाब में रैली कर रहे थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद जी ने 4 तारीख को इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी कि मुझे कोरोना है और मेरे आसपास जितने लोग थे वो लोग अपना जो है प्रिकॉशन रखे, हम सभी लोगों ने अपने टेस्ट कराए। ठीक है, मैंने वही बात तो पकड़ी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि जो लोग मेरे आसपास थे वो लोग प्रिकॉशन रखे, लेकिन भगवंत मान साहब उसी दिन शाम को ट्वीट के बहुत घंटों बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे पंजाब में, और 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल साहब के साथ बैठे थे। मेरे संज्ञान में तो नेता कहते, मैं डिरेल नहीं कर रहा, डिबेट को डिरेल नहीं कर रहा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेता कहते कुछ है करते कुछ है। आप भी बिल्कुल व्हाइट कॉलर नहीं है, आप भी बिल्कुल सफेद कपड़ा नहीं है, आप भी बिल्कुल सफेद नहीं है, इसको समझिए। आप जो कह रही हैं, आप पहले ये देखिए कि आप जो कहते हैं वो कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप बच जाते हैं, आप बच जाते हैं उत्तराखंड की डिबेट में, आप बच जाते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ, अगर हमारी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तो उसको आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ और अपने पार्टी फोरम में मैं इस बात को जरूर रखूंगी की आप मत रखिएगा, आप मत रखिएगा, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में पता चल रहा है कि उनको सीएम फेस भी बनाया जा सकता है। अब मत रखिए, छोड़िए, किसको सीएम फेस बनाया जा सकता है? भगवंत मान साहब चलिए, भगवंत मान साहब को पंजाब कांग्रेस में, उस पर मत जाइए, छोड़िए। मैं अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कांग्रेस निकल गया, आम आदमी पार्टी के सीएम फेस बन सकते हैं पंजाब, ठीक है। और नशे को हटाना भी है पंजाब से, ये भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी भगवंत मान साहब के ऊपर। चलिए ठीक है, सीमा डोरा जी के पास चलते हैं। जी जी बिल्कुल, भगवंत मान साहब के साथ वही हालत है कि भाई पहले मैं गुड़ खाना छोड़ दूं, उसके बाद मैं दूसरों से कहूंगा कि गुड़ मत खाइए। तो भगवंत मान साहब को पिछले काफी टाइम से पूरी पार्टी की तरफ से मेल और हम सब लोगों की तरफ से गया है कि सर आपने, आपका ये जो एक आदत है ये बहुत खतरनाक है, इसका सुधार लीजिए। उन्होंने बहुत सुधार भी अपने उसमें किया, ठीक है, बहुत सुधार किया है, इसलिए सीएम फेस बना दिया है। चलिए अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल, देखिए वो एक जन नेता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, जनता ने उनका बहुत, उनकी लोकप्रियता है, लोग बहुत पसंद करते हैं भगवंत मान साहब को, जो उनका जो बोलने का जो तरीका है उससे जनता आकर्षित होती है, और जनता के बीच में तमाम टाइम उन्होंने काम किया है तो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। उनकी जो एक कमी है उसको उन्होंने लगातार बहुत काम किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब वो कमी आपको नजर नहीं आएगी। कहाँ नजर नहीं आएंगे, अरे वो सीएम बनेंगे तो नजर आना चाहिए उनको, कहाँ नजर नहीं आएंगे। आप, मैं उस एक पर्टिकुलर कमी की बात कर रही हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो सीएम बनेंगे और जनता के जननायक नेता बनेंगे। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि खुद के अंदर भी वो कमी नजर ना आए और पूरे पंजाब के अंदर वो कमी नजर ना आए। चलिए ठीक है, सीमा डोरा जी के पास चलते हैं। बिल्कुल, पूरे पंजाब में छोड़िए सर, पूरे उत्तराखंड में भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर भी जो नदियां बही हुई है हम इन नदियों पर भी रोक लगाएंगे। उत्तराखंड की भी हालत कोई बहुत ज्यादा सुधरी हुई नहीं है, यहाँ पर भी उड़ता उत्तराखंड होता है। ठीक है, उड़ता पंजाब, उड़ता उत्तराखंड होता है। ठीक है सीमा डोरा जी, एक चीज़ और जानने की कोशिश करूंगा कि आप अगर अब चुनावों में हैं, बेरोजगारी है, ये चुनौती है, इसको स्वीकार करिए, स्वीकार करने में कोई गलत कुछ नहीं है, स्वीकार करिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है और कोविड की वजह से ये समस्या बड़ी हुई है,
बेरोजगारी दर बढ़ा है, बेरोजगार बढ़े हैं, ये जमीनी हकीकत है। आंकड़ों पर मत जाइए आप, ये जमीनी हकीकत है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। बाहर जिन लोगों की नौकरियां चली गई वो वापस उत्तराखंड आ गए और अब वो लगातार तलाश में है कि कुछ हो सके। तो इसके लिए आपकी सरकार कुछ करने के मूड में है? देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हम ये भी मैं बताऊं, रोजगार दे सकते हैं। हाँ। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि हम उनको तो हम उनको लोन दे रहे हैं सब्सिडी के साथ में। अब उनको इम्प्लीमेंटेशन तो उनको खुद करनी है और बच्चे कर भी रहे हैं। आप एक काम करिए, चलिए सीमा डोरा जी, समय थोड़ा कम है इसलिए रोकता हूँ, आप कुछ मत करिए। सरकार, मैं तो कह रहा हूँ, सरकार हर व्यक्ति की जेब में इतना इतना रुपया डाल दे कि वो खुद बाहर मिलकर सड़क बनवाए, खुद बाहर मिलकर कचरा उठवाए, खुद बाहर मिलकर हाईवे बनवाए, खुद बाहर मिलकर सारे काम करवाए, खुद बाहर मिलकर अपना खुद का रेलवे चलवाए। सरकार सब्सिडी देती है, सरकार का काम ही यही है। सरकार खुद बिजली के लिए पैसा दे, सरकार हर चीज दे दीजिए, आप जेब में पैसा डाल दीजिए। जैसे आपने कहा कि रोजगार हमने क्या दिया, हमने सब्सिडी दी, तो सब्सिडी दी तो ऐसे जेब में आप पैसा डालते रहिए और सर लोग जो है वो खुद अपना काम भी दिया, हमने जॉब्स भी दी, ऐसी बात तो नहीं है कि हमने जॉब्स नहीं दी। लेकिन अगर जो खुद करना चाहे क्यों नहीं अपने सक्षम बनते कि वो रोजगार दे औरों को भी। हर इंसान जॉब नौकरी की तलाश में क्यों रहता, नौकरी देने वाले भी बन जाए, और उसके लिए हमारी सरकार सक्षम है, देने को तैयार है। अरे जो नौकरी की तलाश में है कम से कम उनको तो पहले नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, इस चीज को समझिए आप। बहुतों को दे दी और आगे भी देने के लिए तत्पर है हम लोग और वचनबद्ध भी है, देंगे डेफिनेटली। ठीक है, वचनबद्ध है कि देंगे, कितना वचन मानते हैं आप इसका, गुल मोहम्मद साहब, बीजेपी का वचन कितना बताइए। रहिए, मैं इनको बताना चाहूंगा, जो घरेलू सिलेंडर है वो आज वो 1000 रुपए का है और उससे पहले सब्सिडी मिला करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने उससे सब्सिडी खत्म करने का भी काम कर दिया। बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब महंगाई होगी, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी, भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में इतनी महंगाई है आज के समय में, बेरोजगारी अलग हो गई कोरोना काल में, महंगाई अलग हो गई। समझ गया आपकी बात मुझे परस्पर मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुल मोहम्मद साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दरअसल जब हम बहस करते हैं बेरोजगारी पर, जब हम बहस करते हैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, जब हम इनकी बात करते हैं ना, तो एक ही चीज निकल कर सामने आती है कि तमाम पार्टियां, तमाम नेता कभी तर्कों के साथ बात नहीं कर पाते। उनका बस इतना तर्क होता है कि मेरी जो सफेद शर्ट है वो इतनी सफेद है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और आपकी शर्ट जो है वो इतनी काली है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी कोई खुलकर नहीं बताता कि इस पर क्या काम करेंगे या क्या नहीं करेंगे। बस सबका यह है कि मेरा विकास बड़ा हो गया, मेरा विकास बड़ा हो गया, मेरा विकास बड़ा हो गया। हकीकत यह है कि विकास का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।